वहीं खनन लीज मामले में चुनाव आयोग की चिट्ठी के बाद हेमंत सोरेन का इस्तीफा तय माना जा रहा है। सभी की निगाहें राज्यपाल रमेश बैस के आदेश पर है। इस बीच हेमंत सोरेन 5 सितंबर को बुलाए गए झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में विश्वास मत हासिल करने की अब तैयारी में है। हेमंत सोरेन का मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है। इस बीच बीजेपी ने आज सभी विधायकों की बैठक बुलाई है। शाम 6 बजे बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में ये बैठक होनी है। इसमें 5 सितंबर को प्रस्तावित विधानसभा के विशेष सत्र के लिए रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। बैठक में पार्टी के सभी विधायकों के साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी शामिल होंगे। शाम 6 बजे बीजेपी कार्यालय में बैठक, जहां पर आगे की रणनीतियों पर मंथन, चर्चा और विचार विमर्श करेगी बीजेपी कि कैसे आगे की रणनीतियां बनाई जाए, क्या किया जाए कि सत्ता जो है, क्योंकि खबरें ये भी आई हेमंत सोरेन सरकार के कई नेताओं ने आरोप भी लगाया कि बीजेपी हथियाना चाहती है। ऑपरेशन लोटस का भी जिक्र किया गया कई बार नेताओं की तरफ से, लेकिन बीजेपी अंदर खाने में क्या तैयारी कर रही है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो चलिए आज रांची में होने वाली बीजेपी की बैठक क्यों खास है, बैठक में किन रणनीतियों पर मंथन और चर्चा, देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। अगर हम बात करें बैठक को लेकर तो रांची में बीजेपी विधायकों की आज ये अहम बैठक होगी। बैठक में आगे की रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही साथ सूबे में सियासी संकट के बीच ये बीजेपी की बैठक है, क्योंकि हेमंत सोरेन का विधायकी पद और सीएम की कुर्सी से वो जा सकते हैं। शाम 6 बजे बीजेपी कार्यालय में ये बैठक होनी है, क्योंकि खबरें ये भी कई बार आई कि बीजेपी राज्य में सत्ता हासिल करना चाहती, आरोप भी लगे हैं। बैठक में सभी बीजेपी विधायक शामिल होंगे कहा यह जा रहा है, क्योंकि हेमंत सोरेन की सरकार महागठबंधन की और विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर चर्चाएं की जाएंगी, क्योंकि बीजेपी के तमाम दिग्गज चेहरों की नजर है इस समय झारखंड की सियासत पर। 5 सितंबर को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया है। हेमंत सोरेन भी देखिए कहीं पीछे दिखाई नहीं दे रहा है। सत्र में हेमंत सरकार को घेरने को लेकर रणनीतियां बनाई जाएंगी, क्योंकि हेमंत सोरेन ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया 5 तारीख को, वो भी कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं ये कहा जा रहा है। सूत्र ये भी बता रहे हैं सत्र में हेमंत सरकार को घेरने को लेकर रणनीतियां तो बनेंगी, लेकिन इन रणनीतियों में बीजेपी कितनी कामयाब होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।